श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया का सबसे कीमती तोहफा एक सच्चा मित्र होता है, जो कीमत से नहीं किस्मत से मिलता है। राधे राधे। तो है गाइस, राम राम सारा भैया ने। तो आज मैं फ्री बैठा था, तो मैंने सोचा कि मेरे गांव के पास में ही टांगला गांव है, तो मैंने सोचा कि वहां पर जाकर श्री कृष्णदास जी के मंदिर का वीडियो बनाऊं। तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, तो सीधा चलते हैं कृष्णदास जी के मंदिर, वहीं पर ही सारी बातें करेंगे। तो चलो चलते हैं। तो हाँ, तो राम राम सारा भैया ने, पहुँच गए हैं श्री कृष्णदास जी के मंदिर। तो गाइस, इसी बात पर वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। तो इस तरफ देखोगे तो आप यहाँ पर लिखा है श्री कृष्णदास जी महाराज का देवल, तो ये लिखा हुआ है इस यहाँ पर। तो अब अंदर से जो भी चीज़ें हैं वो सब बताऊंगा गाइस, तो वीडियो में बने रहना। चलो चलते हैं अंदर गाइस। तो गाइस आ गए अंदर। तो आ गया, अच्छा अंदर कैसी बनी है, कैसी ये स्थापना की हुई है यहाँ पर कृष्णदास महाराज की, तो आपके सामने आप खुद ही देख लो कैसे स्थापना की हुई है। तस्वीर लगी हुई है सामने और पूरा एकदम मस्त डिजाइन किया हुआ है, और ये गेट भी लगाया हुआ है जो कि हर वक्त खुला रहता है गेट। और गाइस यहाँ पर ये बनी हुई है दान पेटी, तो आप जब भी आओ कुछ ना कुछ दान करके जाना। और ये ऊपर से भी बहुत अच्छी तरीके से डिजाइन किया हुआ है सब कुछ, ये गमला लगा हुआ है ये, और जो भी श्री कृष्णदास जी महाराज के साथ थे, उनके चेले और जो भी उनके साथ सेवा करते थे, वो उन सब की तस्वीरें लगी हुई है चारों ओर। ये देखो, ये श्री कृष्णदास जी की तस्वीर लगी हुई है। तो गाइस अंदर जो भी ये सब बना हुआ है, जोधपुर के बाटे से पूरी सब बारीकी से डिजाइन की गई है, और ये भी माना जाता है कि यहाँ की बहुत पुरानी, बहुत सालों से ये मंदिर बना हुआ है, और बहुत अच्छी अच्छी तरीके से डिजाइन की हुई है हर एक चीज़ें। तो ऊपर ये देखो आप, कितनी अच्छी तरीके से ये डिजाइन की हुई है, फूल बनाया गया है पत्थर से, जोधपुर के पत्थर से। वाह गाइस, क्या मंदिर बनाया है, क्या डिजाइन की है। और भी आगे बता दूं गाइस बाहर से भी क्या क्या है मंदिर में। एक और बात गाइस, मतलब कि जोधपुर के पत्थर से पूरा मंदिर है ना, जोधपुर के पत्थर से बना हुआ है। तो डिजाइन देखो गाइस, इस फूल की डिजाइन देखो कितनी बारीकी से, कितना सुंदर बनाया गया है फूल। और हाँ, जो भी पत्थर लगा हुआ है सारा जोधपुर का पत्थर लगा हुआ है गाइस, तो इस बात पर लाइक तो बनता है गाइस, लाइक जरूर करें वीडियो। तो आ जाओ मेरे साथ ऊपर चलते हैं। तो गाइस ऊपर आओगे तो आपको ये गांव का नज़ारा देखने को मिलेगा ऐसा, इधर तो एकदम सुनसान पड़ा हुआ है ये वाला, वो और भी ऊपर है, और भी ऊपर चलते हैं गाइस। मैं कुछ गाइस ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, इसीलिए अब दोस्त बोलेंगे। एकदम सुकून टाइप मिल रहा है गाइस। और भी आगे आ जाओ। तो गाइस ऊपर आया, अंदर जाना चाहता था लेकिन ताला लगा हुआ है,
इसीलिए हम बाहर से ही सारी चीजें बता दे रहे हैं। आ जाओ, ये देखो गाइस कितनी अच्छी तरीके से हर चीज जोधपुर के पत्थर से डिजाइन की गई है। ये वाली देखो कितनी सुंदर तरीके से बनाई हुई है। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना, वीडियो चाहे चलो चाहे मत चलो उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। मेरे को बस जो मतलब मेरी लाइफ में जो भी चीज़ें होती है, जो भी चलता है, जैसा मेरा मन करता है, वो जहाँ पर अच्छी अच्छी चीज़ें बनी हुई है वहाँ पर जाता हूँ और वो सब चीज़ें आपको दिखाता हूँ। तो आपको घर बैठे ही सारी चीज़ें मैं शेयर कराता हूँ। तो आज हम यहाँ पर आए तो यहाँ पर जितनी भी अच्छी अच्छी चीज़ें, जितने भी मस्त मस्त आपको अच्छी चीज़ें लगती है वो सब बताऊँगा। तो वैसे देखते हैं क्या क्या चीज़ें अच्छी अच्छी बनी हुई है और कितनी अच्छी तरीके से हर चीज़ डिज़ाइन की हुई है। तो वीडियो को ज़रूर देखना। अब सिनेमैटिक शूट करके सारा वीडियो बताऊँगा म्यूजिक के साथ। तो जय श्री कृष्ण दास जी महाराज, मेरे साथ भी आप भी बोलो जय श्री कृष्ण दास जी महाराज। और जो आपके पास में दोस्त बैठा है उसको भी बुलाओ जय श्री कृष्ण दास जी महाराज। तो हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जितने भी दोस्त हैं उन दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। और आप कृष्ण दास जी के पक्के वाले भगत हो, उनके दास हो, तो वीडियो को शेयर जरूर करना गाइस। कितनी अच्छी तरीके से बनी है ये छतरी। तो हाँ प्यारे दोस्तों, ये बने हुए हैं कृष्ण दास जी महाराज के पेड़ जिनको मैं छूता। और हाँ दोस्तों, थोड़ा कैमरा मैन करीब। तो ये चीज़ें बनी हुई है ना, ये सामान बना हुआ है जहाँ पर मतलब कि भवन बना हुआ है, जहाँ पर कि जितने भी भगत आते हैं वो यहाँ पर अच्छी तरीके से बैठ सकते हैं और रह सकते हैं। और वो जो सामने दिख रहे हैं वो कमरे बने हुए हैं जिनमें मतलब कि रात के लिए ठहर सकते हैं भगत। वो इधर से नज़ारा लेते हैं भाई इस मंदिर का। तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख। तो आज टांगला गांव इस मंदिर में आए हैं कृष्ण दास जी महाराज के मंदिर में। तो मंदिर में जो भी जितनी भी चीज़ें थी वो सब मैंने आपको दिखाई और आगे भी मैं कहीं पर भी जाऊंगा तो सारी चीज़ें बताऊंगा। तो मेरे साथ बने रहना और मैं तो आपका छोटा सा प्यारा सा भाई हूँ, तो अपने भाई को ज़रूर से सपोर्ट करें। और हाँ एक बात और गाइस, हाँ मतलब मैंने सुना है कि यहाँ पर, सुना नहीं रियल है, यहाँ पर ये जो पूरा मंदिर है ना किसी एक व्यक्ति ने बनाया है ये मंदिर पूरा। तो आप ये सोच लो कि जो भी जितना भी खर्चा हुआ ना मंदिर में, जितना भी पत्थर का जो भी चीज़ का खर्चा हुआ है ना, सब उस एक व्यक्ति ने दिया है। तो गाइस मेरी तरफ से तो उस व्यक्ति को सलाम। एक बात और गाइस, ये तो अभी मतलब ये दिन है, रात को है ना पूरे मंदिर में लाइट लगी हुई है। रात को इससे भी ज़्यादा सुंदर लाइटिंग से, इससे भी ज़्यादा सुंदर दिखता है मंदिर रात को नाइट में। हाँ तो एक बात और गाइस, मतलब कि यहाँ पर हर साल है ना कि साल में लगभग 3-4 मेले लगते हैं बहुत ही अच्छे, जहाँ पर हिंडे वगैरह बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत दूर दूर से दर्शक भी आते हैं मेलों में और बहुत अच्छा मेला लगता है। हमारे गांव से भी मतलब कि जितने भी लोग हैं वो सारे लोग आते हैं हमारे गांव से भी। तो बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, बहुत अच्छा मंदिर है, आप भी कभी आओ तो ज़रूर आना मंदिर में। तो गाइस अब मैं आपको सामने से दिखाता हूँ कि कैसा बना हुआ है।
देखो गाइस बनाने वाले ने क्या चीज बनाई। और हाँ गाइस यहाँ पर मैं ऊपर आया हूँ, अंदर बैठे थे उनसे परमिशन ली फिर मैं उसको ऊपर आने दिया मेरे को। और हाँ वो चीज़ दिख रही है ना, सोने की बना हुआ है, इंडा बोलते हैं इंडा, वो सोने का इंडा बना हुआ है। हाँ ये मेन द्वार है, द्वार के ऊपर ही चेस्ट रूम है और ये सामने पूरा गांव, गांव का नज़ारा। वो भैया जी देखो फोटो वगैरह ले रहे हैं वो भैया जी। दोस्तों अब वीडियो को यहीं पर करते हैं ख़त्म, और 6 बजे है, शाम होने वाली है, मैं भी गांव जाऊंगा। और अभी मतलब कि थोड़ी देर बाद टाइम नहीं है मेरे पास, आरती भी होगी बहुत अच्छे तरीके से, भजन वगैरह सब भी एकदम, भगत भी आएंगे बहुत सारे और आरती भी होगी, इसीलिए मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, इसीलिए वीडियो को यहीं पर करते हैं ख़त्म। और जल्द ही आपके सामने मैं एक और नया वीडियो लेकर आऊँगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी मैं जाऊँगा काम, टाइम हो गया ज़्यादा, लेट हो जाऊँगा गाइस। तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना प्लीज़ यार गाइस।